राष्ट्र देवाय नमः। आत्मीय भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, स्वतंत्रता दिवस भारत का सर्व शिरोमणि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है, क्योंकि इसके आयोजन में धर्म, संप्रदाय, पंथ या किसी भी प्रकार का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कोई भेद नहीं रह जाता। एकमात्र भाव होता है सबके मन में, वो है राष्ट्रभक्ति का, देश प्रेम का। इसी देश प्रेम को अपने जीवन का उद्देश्य बना करके क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आजाद कराया। मित्रों, प्रेम कई प्रकार का होता है, जैसे कि माता पिता का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम। किंतु एक देशभक्त का अपने देश से प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रेम होता है, और इसी भाव को हमारे क्रांतिकारियों ने अपने दिल में सजाया। इसी भाव को लेकर के हजारों माताओं ने अपने गोद की शोभा, हजारों पत्नियों ने अपने मांग का सिंदूर, और हजारों बहनों ने अपने रक्षाबंधन के त्योहार को हंसते हंसते स्वतंत्रता संग्राम की यज्ञ वेदी पर स्वाहा कर दिया। देश प्रेमी कौन? मित्रों, देश प्रेमी की कोई एक जाति या कोई रूप रंग नहीं। एक खटिक से लेकर के, एक मजदूर से लेकर के राष्ट्रपति तक का हर व्यक्ति देश प्रेमी हो सकता है। प्रश्न है तो उसकी भावना का। ईमानदार कर्मचारी, निर्लोभ व्यापारी, निष्ठावान अधिकारी, कर्तव्य पालक नागरिक, अध्यापनरत शिक्षक, अनुशासनबद्ध छात्र, सभी देश प्रेमी हो सकते हैं। प्रश्न है तो भावना का, क्योंकि देश प्रेम अगर देश सेवा नहीं है तो अधूरा है। बिना देश सेवा के देश प्रेम एक ढोंग मात्र है। इसलिए आज इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि इस देश को, जो कि आज आजाद है, उसको अक्षुण बनाने के लिए, उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, याद रखिए, देशभक्ति एक ऐसा तत्व है जिस तत्व का हमें पुजारी बनना है, तभी हम इस देश की एकता अखंडता को बरकरार रख पाएंगे। अंत में मैं मधुकर के शब्दों में अपनी वाणी को विराम दूंगा कि वीर शहीदों की यह थाती, इसकी लाज बचाना है, मरते दम तक अमर तिरंगा भारत में लहराना है। जय हिंद, जय भारत।